हेलो देवी और सज्जनों, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर कोई सज्जन है तो उन्हें मैं बता दूँ, ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया गया है। आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग गर्ल, एक अमेजिंग वुमन में पाई जाने वाली 5 क्वालिटीज के बारे में। अगर ये क्वालिटीज ऑलरेडी आप में है तो यकीन मानिए आप एक अमेजिंग इनक्रेडिबल गर्ल है, और ये क्वालिटीज आप में नहीं है तो हम उसे खुद में डेवलप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो गर्ल्स, वेलकम टू प्रैक्टिकल माइंडसेट। क्वालिटी नंबर 1, मैच्योरिटी। लड़कियां कम एज में ही मैच्योर हो जाती हैं, पर उनका बचपना कभी नहीं जाता। कुछ गर्ल्स तो 20 से 22 साल की हो जाने के बाद भी कार्टून देखती हैं, छोटी छोटी बातों पर भी बच्चों की तरह खुश हो जाती है। लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल भी गलत आदत नहीं होती है। अपने अंदर मासूमियत और बचपना हमेशा कायम रखना चाहिए। रियल में एक मैच्योर गर्ल का मतलब होता है उसे पता होता है कब मैच्योरिटी समझदारी दिखानी है और कहाँ बच्चों वाली क्यूट हरकतें करनी है। बहुत सारी लड़कियां होती है जिनकी दुनिया के सामने एक इमेज होती है, प्रोफेशनल, सीरियस, काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली, और वही गर्ल अपने घर पर छोटे बच्चे जैसा बिहेव करती है। रियल मैच्योरिटी यही है। क्वालिटी नंबर 2, अवॉइड ड्रामा। ड्रामा और गॉसिप से दूर रहना। एक मैच्योर समझदार लड़की कभी भी गॉसिप नहीं करेगी, वो कभी भी लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करती है, और ना ही वो अपने लाइफ में किसी भी तरह का ड्रामा पसंद करती है। लेकिन आपने भी अपने आसपास में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बेवजह की बातों पर झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं, एक तरह से कहे तो काफी ड्रामा करते हैं, और लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करना और गॉसिप भी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग दूसरों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्वालिटी नंबर 3, इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली और इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्लस कैसे आप पैसे को संभालते हैं, खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, ये सब आपको आना चाहिए। नेचुरली एक फीमेल में पैसे सेव करने की आदत मेल से ज्यादा होती है। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना अच्छे से आना चाहिए। बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती है जो सिर्फ अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारा खर्चा कर देती है, हालांकि अगर उनके लिए बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ है तो जो वो खर्चा करती है वो पैसे उनकी खुद की मेहनत के होने चाहिए। इस तरह पैसे बर्बाद करने से पहले एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि जो मैं 700 रुपए का फेशियल, 1000 रुपए की ड्रेस और 300 रुपए के शूज ले रही हूँ, इन पैसों को कमाने के लिए उनके फादर, हस्बैंड या ब्रदर को कितने घंटे तक काम करना पड़ा होगा, और इन चीजों की क्या मुझे सच में जरूरत भी थी या नहीं। क्वालिटी नंबर 4, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वो चीज है जिसमें हमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे हम बॉय हो या फिर गर्ल। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान सबसे पहले आना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना मतलब सब कुछ खो देना। ज्यादातर लोग रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि कुछ लोग इम्पोर्टेंट होते हैं पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। कुछ लोग अपने लाइफ में पैसों की कमी पूरी करने के लिए दूसरों के पैरों में गिरने तक तैयार हो जाते हैं, बस पैसा आना चाहिए और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए उस बात को वहीं खत्म कर दो, क्योंकि किसी लड़की की रिस्पेक्ट करना उसे खूबसूरत कहने से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। क्वालिटी नंबर 5, जेन्युइन। फेक लोगों के इस वर्ल्ड में जेन्युइन रियल लोग बहुत ही कम मिलेंगे आपको। आप उनमें से एक बनिए जो रियल है, जो जेन्युइन पर्सन है। जैसे हो वैसे ही रहो। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलना सबसे गलत बात होती है। बदलने से मतलब है आप वो कपड़े पहनना शुरू करते हैं जो आपको तो जरा भी पसंद नहीं है लेकिन सोसाइटी को काफी पसंद है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल है लेकिन अपने कुछ दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। आप नेचुरली जैसे हो वैसे रहो। खुद को इम्प्रेस करने के लिए खुद में अच्छी बातें डेवलप करना, ये एक अलग बात होती है। मैच्योरिटी, अवॉइड ड्रामा, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली और इमोशनली, सेल्फ रिस्पेक्ट और जेन्युइन, ये 5 बातें आप में है तो मैं फिर से वही कहूंगी, आप एक अमेजिंग पर्सन है। जिनमें ये नहीं है उन्हें ये 5 बातें खुद में डेवलप करनी चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को एक नेक्स्ट लेवल देती है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।